सातवी युगल निधि कृपा श्री द्वारा प्रेरित मैत्री चैरिटेबल फाउंडेशन पेश करता है यू टर्न सीरीज। सातवी युगल निधि कृपा श्री जी के कदम और कलम सिखाएं यू टर्न। यू टर्न से सीखें अपने बहुमूल्य जीवन में क्या जानो, व्हाट टू नो, क्या बो, व्हाट टू सो, क्या छोड़ो, व्हाट टू थ्रो। अपनी जीवन गाड़ी को यू टर्न दो, सीखो लाइफ में लिविंग पैदा करने की अद्भुत कला। यू टर्न सीरीज सातवीं युगल की सोच की ऐसी पेन ड्राइव है जो हर मानव मस्तिष्क के कंप्यूटर में सेट हो जाती है। अपनी लाइफ में यू टर्न लेकर न केवल इस जन्म का अपितु जन्मों जन्मों का मास्टर प्लान चौक आउट कर लेना। भगवान महावीर की साधना एवं सिद्धांत के तले सातवीं युगल की पेशकश है सोल एंड सोल सप्लीमेंट यानी SS सप्लीमेंट, जो फूड सप्लीमेंट नहीं अपितु आपके भीतर में रहे 3 B's को पोषण देता है। 3 B's यानी ब्रेक, बैलेंस, बाउंड्री, यानी जीवन की गाड़ी को कहाँ रोकना है, कहाँ संभालना है और मंजिल तक कैसे सुरक्षित पहुंचाना है। संसार की यूनिवर्सिटी में 3 B's की सिखावनी से आप बने सरल, सहज और सजग। जीवन में नो छिपाना, नो दिखाना, रोल छोड़ो, रियल बनो और पाओ मास्टर ऑफ सोल की डिग्री। जीवन की प्रयोगशाला में 3 B's का प्रयोग कर जीवन में यू टर्न लाएं और निज घर में आएं। प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं, एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। यू टर्न सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, जैसे एक बीज के अंदर वृक्ष समाया हुआ होता है, छोटा सा बीज और उसके अंदर विशाल ताकत है कि उससे बरगद का वट वृक्ष सा बन सकता है, यानी वो बीज चाहे धरती पर पड़ा हो, चाहे धरती के अंदर गड़ा हुआ हो, चाहे किसी तिजोरी में बंद हो, या किसी दर-दर की ठोकरे खा रहा हो, या किसी कचरे के ढेर पे क्यों न पड़ा हो, किंतु उस बीज में ये ताकत है कि वह क्या बन सकता है, वट वृक्ष बन सकता है। इसी आधार पे ज्ञानियों ने एक बहुत बड़ा सत्य स्पष्ट किया है कि जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है, ऐसे ही ज्ञानी जन कहते हैं बीज बीज ही नहीं,
बीज में तरुवर भी है। तरुवर यानी वृक्ष। बीज बीज ही नहीं, बीज में तरुवर भी हैं और मानव मानव ही नहीं, मानव में ईश्वर भी है। यानी आत्मा में परमात्मा रहा हुआ है, जन के अंदर जिन बसा हुआ है। हर मानव यहाँ पे महामानव और महापुरुष बन सकता है, परंतु सभी जानते हैं कि बीज में चाहे दरगद बनने की ताकत हो, वह अपने आप से नहीं बन जाता, उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बीज वृक्ष बनने की पात्रता लिए हुए हैं, शक्ति लिए हुए हैं, क्षमता उसके पास में है, परंतु जब तक कुशल माली का संयोग ना मिले, जब तक उसे पोषण ना मिले, जब तक उसे रक्षण ना मिले, जब तक उसे उचित सद निमित्त ना मिले, तब तक बीज एक प्रक्रिया से गुजर के क्या नहीं बनता, वृक्ष नहीं बनता। ठीक यही बात ज्ञानियों ने हमें बता दी कि आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, पर उसे भी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कितने उतार चढ़ाव उसके भी जीवन में आते हैं, परंतु ये निश्चित बात है कि आत्मा क्या बन सकती है, परमात्मा बन सकती है। जैसे बीज वृक्ष बन सकता है, तो आत्मा भी क्या बन सकती है, परमात्मा। आत्मा परमात्मा बने उसके लिए कौन सी प्रक्रिया है, किस माध्यम से गुजर करके, कौन सी साधना की आराधना करके, कौन सा पोषण और संरक्षण पा करके आत्मा परमात्मा बन सकती है, वो जानने के लिए आज हम सब उपस्थित हैं। क्या श्रवण करने के लिए, श्री महावीर कथा को। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में हम श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान महावीर की आत्मा परमात्मा कैसे बनी, उनकी आत्मा ने कौन सी साधना करी, क्या उनके जीवन के अंदर आंधी तूफान आए, किस तरह से उनका उत्थान पतन हुआ, कैसे उनके विकास की प्रक्रिया रही, ये सारा जानने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए हैं, पर उपलक्ष्य हमारा तभी सार्थक होगा जब हमें लक्ष्य का पता होगा। एक होता है उपलक्ष्य और एक होता है लक्ष्य। उपलक्ष्य तो जाहिर हो गया कि श्री महावीर कथा हम सुन रहे हैं। किस उपलक्ष्य में सुन रहे हैं, जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में सुन रहे हैं, पर सुनने का लक्ष्य हमारा क्या है, वो लक्ष्य जब तक स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम आज तक जो करते आए हैं, हर बार भगवान की जयंतियां मनाते आए हैं, कभी हमने अपनाने की बात सोची ही नहीं। अपनाया तो तभी जा सकेगा कि जब हम उस विधि को जाने, उस प्रोसेस को जाने, उस प्रक्रिया को जाने कि भगवान ने अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया है, तो हमारा लक्ष्य इसके पीछे क्या है, भगवान महावीर की कथा जानने के पीछे, सुनने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक महावीर कल्याणक अपनाया नहीं जा सकता। क्या लक्ष्य है हमारा, हाँ, सम्यक्त्व की प्राप्ति। ठीक बात है, मूल लक्ष्य तो हमारा वही है, मूल लक्ष्य सम्यक दर्शन पाना है। भगवान की आत्मा ने भी सम्यक दर्शन पाया तो धीरे धीरे केवल ज्ञान और मोक्ष तक की यात्रा को संपन्न कर लिया। यानी जो हमारा लक्ष्य है, जिस आत्मा में हमारे अनंत शक्ति सोई हुई है, उसको उजागर करने के लिए ये महावीर कथा को हमने श्रवण करना है। इस महावीर कथा को सुनना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए, बगीचे में जाकर के बैठ गया, क्या होगा, खुशबू भी मिलेगी, सुगंध तो उसको मिलती ही है, साथ में उसके मन भी बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, अंदर में ताजगी आ जाती है। उस फूल को जब वह देखता है, कोई व्यक्ति बगीचे में जाकर के किसी विकसित फूल को देखता है, तो उस फूल को देखने के पश्चात, उसका सौंदर्य देखने के पश्चात, उसकी सौरभ को लेने के पश्चात और उसकी सुषमा देखने के पश्चात, उसके मन में एक प्रश्न अवश्य आता है कि इस फूल
फूल में सुगंध आती कहाँ से है, ये फूल कैसे विकसित हुआ होगा, इसने कौन सी यात्रा की होगी, इसका मूल रूप क्या रहा होगा। और आप सभी जानते हैं कोई भी फूल एक दिन में विकसित नहीं हो जाते, उसका जो मूल रूप है उस फूल ने अपना विकास पाने के लिए न जाने कितने दिन तक अंधेरी गुफा में वह रहा है, कितने आंधी तूफान उसने सहे हैं, कितने ओले पाले उसने सहे हैं, कितने विपत्तियों और संघर्ष का उसने सामना किया है, तब जाकर के उसकी उस विकसित अवस्था को, उस सौंदर्य को, उस सौरभ को और उस समस्त सुषमा को उसने प्राप्त किया। बस यही मान लीजिए कि आज भगवान की आत्मा परमात्मा है, सिद्धालय में स्थित है, विकसित फूल के समान है, परंतु उस सिद्धालय में पहुंचने से पहले उनकी आत्मा कहाँ कहाँ थी, क्या क्या उन्होंने किया, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को उत्थान की तरफ वो लेकर के गए, यही हमने श्रवण करना है, क्योंकि महापुरुषों की जीवन गाथाएं हमारे लिए आदर्श होती है। आदर्श का मतलब आदरणीय होती है, आदर्श का मतलब आचरणीय होती है, आदर्श का मतलब अनुकरणीय होती है। और इसलिए हम तीर्थंकरों के, महापुरुषों के जन्म दिवस या जन्म कल्याणक मनाते हैं कि हमारे भीतर में सोई हुई शक्तियां भी क्या हो जाएं, जाग जाएं, जो अनंत शक्ति आत्मा में रही हुई है वो विकसित हो जाएं, क्योंकि आदर्श शब्द का अर्थ ही है, हिंदी साहित्य के अंदर आदर्श शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ दिया गया है नमूना, नमूने का मतलब प्रतीक हो गया, जैसे एक मूर्तिकार जब पत्थर से मूरत बनाता है तब आप देखते हैं उसके मस्तिष्क में क्या होता है, मूर्ति का नमूना होता है, एक प्रतीक होता है, हाथ में उसके छेनी और हथौड़ा है और सामने उसके क्या है, पत्थर है। कोई मूर्ति कहीं से लाके वह उसमें बिठाता नहीं, कहीं से आकार लाकर के उसको देता नहीं, वो मूर्तिकार मात्र एक ही काम करता है कि जो छेनी और हथौड़ा उसके हाथ में है पत्थर का कौन सा भाग निकाल देता है, व्यर्थ भाग निकाल देता है, व्यर्थ भाग छेनी हथौड़े से निकलता चला जाता है और जो शेष है वो सार्थक है, जो शेष है वो विशेष है, जो शेष है वो मूरत है, जो शेष है वो प्रतिमा बन जाता है। बस यही प्रक्रिया है आत्मा से परमात्मा बनने की। जहाँ उस आदर्श जीवन को हम याद करते हैं कि उस भगवान महावीर की आत्मा ने भी जो जो व्यर्थ भाग था, जो जो कर्मों के कुसंस्कार थे, जो जो कुनिमित्त थे, उन सबसे सदा सदा के लिए मुक्ति पाली और अपनी आत्मा को पूर्ण उन्होंने क्या कर लिया, विकसित कर लिया। यानी महापुरुषों का जीवन हमारे लिए आदर्श यानी एक नमूने के भांति है, प्रतीक के भांति है। और दूसरा अर्थ दिया गया है आदर्श शब्द का, आदर्श यानी दर्पण। क्या करते हैं दर्पण में, आप अपने आप को देखते हैं, दूसरे को देखने के लिए कोई दर्पण में नहीं निहारता और दर्पण को देखने के लिए भी कोई दर्पण में नहीं देखता। दर्पण में हम क्या देखते हैं, अपनी छवि निहारते हैं, अपना मुख देखते हैं, अपने अंगोपांग देखते हैं, एक एक अंग का हम निरीक्षण करते हैं और बाद में हमारी प्रतिक्रिया ये रहती है कि जो जो कुछ ऐसा है जो आंखों को न जचता हो, जो लोगों को न जचता हो, वो सारा हम क्या कर लेते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं। बस यही बात है, भगवान महावीर की कथा हमें सुननी है दर्पण मान करके सुननी है। दर्पण के समान वो हमें अपना चित्र झलकाएगी, दर्पण के समान हमें अपनी कमियां बताएगी, दर्पण के समान हमारे कुसंस्कारों को जलाने की विधियां बताएगी, तो हमारे भीतर में ये लक्ष्य स्पष्ट हो जाए कि श्री महावीर कथा को भगवान महावीर जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में हम श्रवण करने जा रहे हैं। और लक्ष्य हमारा बड़ा ठोस है कि हमें भी अपने भीतर की
आत्मा को क्या बनाना है, परमात्मा बनाना है। जिस मार्ग से वो चले हैं वो मार्ग हमें भी अपनाना है, जो दिशा उन्हें मिली है वो दिशा हमने भी पानी है, और इसलिए हमने भगवान महावीर की आत्मा का, परमात्मा तक की यात्रा का वो विकास क्रम जानना है, वो उत्थान की दिशाएं पहचाननी है। और शास्त्र कहते हैं कल्प सूत्र के आधार पे भगवान महावीर की जीवन गाथा बताई जाती है कि भगवान महावीर की आत्मा भी एक दिन हमारी तरह ही संसार के अंदर क्या कर रही थी, जन्म और मरण दो ही काम है संसार के, जन्म और मरण। और सबसे पहले हमारी आत्मा, आप जानते हैं कहां से विकास क्रम हमारी आत्मा का शुरू होता है, अनादि अनादि काल हमारी आत्मा का कहां बीतता है, निगोद में। अनादि अनंत काल उस निगोद की अव्यवहार राशि में प्रभु महावीर की भी आत्मा पड़ी हुई थी, परंतु एक जिस किसी आत्मा ने परमात्मा पद पाया होगा और उस दिन उस भगवान बनने वाली आत्मा ने निगोद की अवस्था में अव्यवहार राशि से निकल करके कहां आई है, व्यवहार राशि में। वही उनका क्रम विकास का चलता चला गया, अनंत अनंत काल उनका एक एक जगह बीता है, और उस व्यवहार राशि से निकल करके एकेंद्रीय जाति का पूरा फेरा, जानते हैं ना एकेंद्रीय जाति का फेरा, कितनी काय लिए हुए हैं, 5 काय लिए हुए हैं। वही पृथ्वी काय की अवस्था असंख्यात वर्ष, जहां मिट्टी का शरीर मिला, पानी का शरीर मिला, अग्नि जिसका शरीर है ऐसा जन्म मिल गया, हवा जिसका शरीर है ऐसा जन्म असंख्यात असंख्यात काल बिताना पड़ा, अकाम निर्जरा होती रही, वनस्पति काय की अवस्थाएं बीतती चली गई, एकेंद्रीय जाति से मुक्ति मिलती है आत्मा को, तो कौन सी जाति आ जाती है, बे इंद्रिय जाति, जहाँ पे एक इंद्रिय का उत्थान हो गया। अभी तक सिर्फ शरीर था, बोलने की शक्ति नहीं थी, सोचने की शक्ति नहीं थी, मात्र एक ही इंद्रिय थी। दो इंद्रिय के रूप में असंख्यात काल उस प्रभु महावीर का बीता होगा। फिर तेंद्रिय अवस्था मिली, जहाँ पे रसना तो मिल गई परंतु आंखें ना मिल सकी। चौरिंद्रिय अवस्था के अंदर आंखें भी मिल गई परंतु कान ना मिल सके। पंचेंद्रिय अवस्था मिली परंतु त्रियंच पंचेंद्रिय अवस्था में मन का इतना विकास नहीं मिला कि जहां वह चिंतन की भूमिका को जगा सके। और इस तरह से प्रभु महावीर की आत्मा भी एक बार वह 84 लाख का फेरा पूर्ण करके जब मनुष्य का जन्म पाती है, अनंत अनंत पुण्योदय से क्या मिलता है, मनुष्य का जन्म, अनंत अनंत पुण्योदय होता है, यानी इतनी कीमत हम चुकाते हैं, इतना दुख हम भोगते हैं, इतनी विपत्तियां हम झेलते हैं, इतने आंधी तूफानों से गुजरते हैं, तब जाकर के कौन सा जन्म मिलता है, मनुष्य का जन्म। और इस मनुष्य के जन्म में मन भी मिला, चिंतन की शक्ति भी मिली, वाणी भी मिली, उसके सदुपयोग करने की शक्ति भी मिली, और वो शरीर मिला जो शरीर नौका कहलाता है। 4 गतियों के अंदर सिर्फ मानव के शरीर को भगवान ने क्या कहा है, नौका। नौका क्या करती है, पार भी लगाती और डुबो भी सकती है। यदि इस नौका के अंदर छिद्र हैं तो ये पल में आपको डुबो देगी, और ये नौका यदि क्या है, कुशल नाविक इस नौका को मिल जाए, छिद्र रहित ये नौका हो तो पार भी लगा देती है। एक जन्म प्रभु महावीर का ऐसा आया जो मनुष्य का जन्म था, और इस मनुष्य के जन्म में उस प्रभु महावीर की आत्मा में इतने समय से कहते हैं कष्ट सहन करते हुए, अकाम निर्जरा करते हुए अवस्था ऐसी हो गई थी, जैसे मान लीजिए नदी के अंदर पत्थर बहते हैं, ऊपर नीचे उछलते हैं और टकराते हैं आपस में, और टकरा टकरा करके कुछ पत्थर क्या हो जाते हैं, गोल मटोल। पत्थर का गोल मटोल हो जाना जैन शास्त्रों के अंदर है आत्मा का उपादान तैयार हो जाना। उपादान का मतलब है क्षमता जाग जाना, पात्रता आ जाना, कि यदि अब कोई निमित्त मिल गया तो भीतर का दीपक जल सकता है, यदि कोई सन्मार्ग बताने वाला मार्गदर्शन मिल जाए तो राह हमारी स्पष्ट हो सकती है। तो प्रभु महावीर की आत्मा ने मनुष्य का जन्म पाया, वो मनुष्य का जन्म पाया था
था, महाविदेह क्षेत्र के एक ग्राम में पाया था। एक छोटे से गांव में वह जन्मे थे, जहां उनका नाम था नयसार। क्या नाम था? नयसार। ये नयसार का जन्म भगवान का उत्थान कराने वाला जन्म हुआ। अभी तक तो गति ही गति चल रही थी, अब जीवन को दिशा मिलेगी और प्रगति होगी। अभी तक तो चल ही रही थी यात्रा, परंतु चलने के अंदर कोई दिशा का बोध नहीं था। दिशा तभी पता लगती है जब मंजिल का बोध होता है। जिसे मंजिल का बोध नहीं, उसके लिए कोई भी दिशा भटकन बन सकती है। और जिसे मंजिल का बोध हो, उसका एक एक कदम क्या हो सकता है? मंजिल के नजदीक ले जाने वाला बन सकता है। तो नयसार के रूप में प्रभु महावीर का ये जन्म ऐसा सफल रहा कि जहां उन्हें दिशा मिली, प्रगति की दिशा मिली। गति तो अभी तक हो ही रही थी, गमनागमन तो चल ही रहा था, यात्रा तो चल ही रही थी, परंतु यात्रा को अभी तक मंजिल नहीं मिली थी, अभी तक दिशा नहीं मिली थी। पर अब उपादान तैयार था, इतनी तैयारी भीतर की थी कि मान लीजिए अपने जीवन के दीपक में तेल भी भर लिया, बाती भी भर ली, मात्र इंतजार अब किसकी है? कोई ऐसा सद निमित्त मिल जाए जिसकी चिंगारी से ये बुझा दीपक क्या हो जाए, जल जाए। उतनी तैयारी के रूप में नयसार की अवस्था में महाविदेह के उस छोटे से ग्राम में प्रभु महावीर का जन्म हुआ है। ये मान के मत चलिए कि महाविदेह में जन्म ले लेंगे तो धर्म ही धर्म कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं, बिना सद निमित्तों के ज्ञानी मिलेगा। और सद निमित्त मिल जाए पर उपादान की तैयारी नहीं, अपनी पात्रता नहीं, अपनी क्षमता नहीं, तो दूसरा कोई हमें तारने वाला नहीं है। नयसार के रूप में वो एक लकड़हारे के रूप में उनका जीवन का क्रम चल रहा था, क्योंकि वो जो मकान होते थे लकड़ियों के बने होते थे, और वो लकड़ियां जो हैं वो इमारती लकड़ियां जंगल से काट करके लाना, ये नयसार के जीवन का काम था। यानी नयसार क्या कर रहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है कि नयसार क्या है, हम क्या करते हैं। इस पे तो हम बहुत ज्यादा विस्तार करते हैं, पर हम क्या हैं इसका हमें तनिक भी बोध नहीं। हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं, इस तरफ हमारा तनिक ख्याल नहीं होता। हम मात्र करते ही चले जाते हैं, क्रिया की अंधी दौड़ के अंदर जन्म जन्म नहीं, अनेक जिंदगियां हमने क्या कर दी हैं, बिता दी हैं। वो नयसार छोटे से गाँव का वो लकड़हारा, और कहते उपादान इतना प्रबल था कि जो गांव के लोग होते थे उनकी जो छोटी मोटी चिंताएं होती थी, उन चिंताओं को, उन उलझनों को वो नयसार क्या करता था, दूर करता था। दूसरों के दुख वही दूर करेगा जिसके भीतर का स्वार्थ समाप्त होकर के जिंदगी का कदम परार्थ के अंदर होगा। दूसरे के सुख दुख उसी को स्पर्श करेंगे जो अपने जैसा दूसरों को क्या करता होगा, मानता होगा। और नयसार तो उनका नाम था, परंतु गांवों के लोगों के सुख दुख बांटते थे, इसलिए गांव के लोग उन्हें ग्राम चिंतक कहा करते थे। जो गांव के लोगों की चिंता करे वो कौन है? ग्राम चिंतक। और जो अपनी चिंता करे वो अपनी चिंता तो हम बहुत करते हैं, पर अपना चिंतन हमने कभी नहीं जगाया। अपनी चिंता के अंदर हमने इतना विस्तार कर लिया कि कभी जीवन को गहरा होने का मौका दिया ही नहीं। जो कहते परार्थ में जीते हैं, उनके जीवन में एक दिन परमार्थ का क्षण जरूर आता है, और जो स्वार्थ के घेरे में जीते हैं उनके कदम पतन की ओर चले जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, मनुष्य जन्म मिला है तो स्वार्थ से ऊपर उठ करके परार्थ में कदम भरे। परार्थ का कदम ऐसा उपादान देगा कि किसी न किसी एक दिन भगवान की आत्मा की तरह हमारी आत्मा भी परमार्थ को क्या करेगी, प्राप्त कर सकती है। तो नयसार लकड़हारा है, नयसार ग्राम चिंतक है, नयसार का काम है कि लोगों को इकट्ठा करना, जंगल में जाना, लकड़ियां लेकर के आना, वो इमारती लकड़ियां बेचना और अपना गुजारा करना, ये उसका काम था। पर नयसार के जीवन ने अपने इस जीवन के अंदर एक नियम ले रखा था, एक मर्यादा ले रखी थी जीवन के अंदर। अब
अपने जीवन को आकार देने के लिए, अपने जीवन को संयम और मर्यादित करने के लिए एक न एक नियम जीवन में क्या है, बहुत जरूरी है। कोई धर्म नहीं जानता था नैसार, कोई साधु साध्वी के चरण में नहीं गया था नैसार, मात्र भीतर के उपादान ने एक नियम तैयार किया हुआ था कि मेरे जीवन के अंदर रोज जैसे मैं भोजन करता हूँ, मैं भोजन बाद में करूँगा, पहले किसको दूंगा? अतिथि को दूंगा। पहले किसी अतिथि को भोजन कराऊंगा और बाद में खुद क्या करूंगा? भोजन करूंगा। एक नियम था किसके जीवन में? नैसार के जीवन में। बहुत छोटा सा नियम है, साधारण सा नियम है, कुछ करने के लिए इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, मात्र भावों की बात है। नए सार के जीवन ने, इस नियम ने ही कहते हैं, नए सार को सम्यक दर्शन दिलवाया। ये नियम ही ऐसा रहा जो जीवन को आकार देने वाला बना, ये नियम ही ऐसा रहा जिससे उनके जीवन को उत्थान की दिशा मिल गई, क्योंकि ये नियम और संयम मर्यादा आदि जो है आप अच्छी तरह जानते हैं कि देवता और नारकी तो क्या नहीं कर सकते, ये नियम मर्यादा ले ही नहीं सकते। एक इंद्रिय से लेकर के असंगीत रियंश पंचेंद्रिय के अंदर कोई गुंजाइश नहीं कि अपने जीवन को आकार दे सके। एकमात्र मनुष्य का जन्म ऐसा है जहाँ आप नियम ले सकते हैं, संयम का पालन कर सकते हैं, चारित्र ले सकते हैं, तप का पालन कर सकते हैं, परंतु अत्यंत दुख और खेद की बात ये है कि ये धरती का इंसान जितना नियम मर्यादा संयम से डरता है, शायद ही कोई डरता होगा। वो देवगति के देवता तो तरसते हैं कि वो दिन हमारा धन्य होगा जब हम मनुष्य बने और चारित्र ले, तब हम तप संयम का आराधन करें। और मनुष्य बन करके आज सबसे अधिक डर और भय यदि आक्रांत है मनुष्यों में तो किसका है? नियम का है, क्योंकि इंसान ने नियम को क्या मान रखा है, क्या मान रखा है? नियम लेंगे तो बंध जाएंगे। सबसे पहले क्या कहते हैं? बंधन में नहीं आना, हमें बंधन में नहीं आना, हमने बंधना नहीं है। और ये बहुत बड़ी भ्रांति, ये भगवान महावीर की आत्मा का पहला जन्म हमारी ये बहुत बड़ी भ्रांति को दूर करने के लिए है। और वो भ्रांति ये है, जो मनुष्य ने नियम को बंधन मान रखा है, वाकई में नियम बंधन नहीं है, नियम सुरक्षा है। नियम क्या है? सुरक्षा है। इसे हम बंधन मान लेते हैं तो वो हमारी ऐसी भ्रांति है कि जैसे कोई व्यक्ति एक किले के अंदर रहता हो और कहे मेरे को तो इस किले ने कैद कर दिया, तो आपको भी हंसी आएगी। अरे कैद तो जेल के अंदर होती, किले में तो क्या होती है? सुरक्षा। बस यही अंतर है, नियम किले की भांति है, वो हमें सुरक्षा देते हैं। एक बच्चे को आप स्वेटर पहनाते हैं ठंड से सुरक्षित रहने के लिए, बचने के लिए, और वो बच्चा रोता है, चिल्लाता है कि मैं इसे नहीं पहनता, मेरे लिए ये बंधन है, और आप उसे समझाते ये बंधन नहीं, ये तेरी क्या है? सुरक्षा। बस यही नियम समझ लीजिए, यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जीवन में एक भी नियम ना आ सका, एक भी मर्यादा ना आ सकी, जीवन को कल्प ना मिल सका, संयम ना मिल सका, तो ये जीवन कभी उत्थान की राह नहीं पकड़ सकता। आज तक अनेक बार मनुष्य के जन्म मिले, परंतु हमेशा इंसान नियम से घबराया, संयम से घबराया, उसको उसने बंधन कहा। इतना ही नहीं, कुछ लोग इस डर से भी नहीं लेते कि हम बंधन में आ जाएंगे, ये तो हो गई पहली बात। दूसरा लॉजिक उनका ये रहता है कि यदि हम नियम संयम ले तो लेंगे, पर वो हमारे टूट जाते, क्या हो जाता है? टूट जाने के डर से लोग नियम में आने को तैयार नहीं हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक व्यक्ति को आपने कहा कि भाई गाड़ी में बैठ जा, जल्दी घर पहुंच जाएगा, और उसने कहा कि नहीं मैं गाड़ी में नहीं बैठता, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसी बात हो गई, यानी एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए मैं कहा नहीं बैठता, गाड़ी में नहीं बैठना। आपके पुत्र को आपने विवाह के लिए तैयार किया और उसने कहा नहीं मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे मित्र का तलाक हो चुका है, मुझे क्या नहीं करनी, शादी नहीं करनी, तो आप मानते उस बात को? नहीं। यानी जैसे व्यवहार के अंदर हम बिना डर के छोटे मोटे काम कर लेते हैं, तो बिना डर के जो हमारे लिए हितकारी है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे लिए
श्रेयकारी हैं, जो हमारा उत्थान का पद बढ़ाने वाला है, उसके लिए तो ये हमारी कमजोरी का लक्षण है जो हम टालना चाहते हैं कि हमारा नियम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक और तर्क देते नियम के लिए, क्योंकि नियम की भ्रांतियां निकाल के आगे चलेंगे। जब तक ये नियम की भ्रांतियां ना निकलेगी, तब तक हमारे भी जीवन को आकार नहीं मिलेगा। जब तक आकार नहीं मिलेगा, मान के चलिए गहराई नहीं आएगी। विस्तार तो खूब हो जाएंगे, विस्तार खूब आ जाएंगे, गहराई तभी आएगी, क्योंकि दायरा जब तक सीमित नहीं होता, तब तक गहराई कभी भी जीवन में आ नहीं सकती। और दायरा सीमित करने वाले नियम संयम मर्यादा होती हैं। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि जिन चीज को हम क्या नहीं करते, छूते भी नहीं हैं, जिन चीज के लिए हम सोचते भी नहीं हैं, जिस चीज को हम खाते पीते ही नहीं हैं, उसका बंधन लेकर के, उसका नियम लेकर के बताओ क्या होगा। ये एक जबरदस्त तर्क रहता है, बड़ा मस्तिष्क का तर्क है। ये बड़ा मस्तिष्क का तर्क है, जहाँ व्यक्ति ये कह देता है कि जिस राह में जाता ही नहीं, जिसका प्रयोग में करता ही नहीं, जिसका यूज मेरे जीवन में है ही नहीं, बताओ जी उसके नियम लेकर के हम क्या करेंगे। तो ये मान के चलिए कि यदि कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता हो और वो 2 महीने के लिए ताला लगा करके चलता बना हो, ये सोच करके कि मैं तो 2 महीने इसमें रहा नहीं, किराया चुकाऊंगा नहीं, चलेगी ये बात व्यवहारिक धरातल? मालिक कहेगा तूने क्या देना पड़ेगा, किराया तो देना पड़ेगा, या तो तू कनेक्शन कट करके जाता, या तो तू मुझे कह के जाता, चाबी मेरे हाथ में दे के जाता कि 2 महीना मैंने इस मकान में नहीं रहना। ठीक यही लॉजिक धर्म के अंदर जोड़ दीजिए कि यदि हमारा मन ये कहता हो कि जिनका हम प्रयोग करते ही नहीं है, उसका नियम उसकी मर्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका भी किराया चुकाना पड़ता है, क्रिया के रूप में वहां भी किराया चुकाना पड़ता है, तो सबसे पहले जीवन में वो बंधन तो आ ही जाने चाहिए जिसका यूज ही नहीं करते। वहां से तो कनेक्शन सारे कट कर दीजिए और जो यूज करते उसकी मर्यादा ले लीजिए, अपने आप जीवन को क्या मिल जाएगा, आकार मिल जाएगा। तो नए सार के जीवन में सिर्फ एक नियम था कि अतिथि को भोजन दे करके मैं करूंगा। आप कहेंगे ये तो बड़ी मजेदार बात है, एक नियम ले लो जीवन को आकार मिल जाएगा, पर नए सार के नियम में और हमारे नियम में बड़ा अंतर है। कौन सा अंतर है? भावों की कमी नहीं, आपके पास भी भावों की कोई कमी नहीं है, कमी मात्र ये है हम सातत्य नहीं रख पाते, निरंतरता नहीं रह पाती, कंटिन्यूशन हमारा नहीं रह पाता। कभी करेंगे तो 10 दिन बहुत धर्म ध्यान की बाहर आई और उसके बाद में सारा 4 महीने के लिए मान लीजिए ठप हो गया, फिर जागे तो 8 दिन बहुत कर लिया और फिर 2 महीने क्या हो गए, सो गए। आप देखिए हम नियम भी लेते हैं तो कितना बचा बचा के लेते हैं, कल्पना करिए। हमारा तो रोज के अनुभव होते हैं, लोग कहते हैं महाराज नियम करा दो, पर बाहर गांव की छूट और बीमारी की छूट बाहर गांव की छूट कर दीजिए। अब देखिए बाहर गांव जाते हैं क्या छोड़ते हैं आप, सारा कुछ तो अपना लेके जाते हैं, माल सामान आदि, ना नहाना छूटता, ना खाना छूटता, ना सोना छूटता, कौन सी एक्टिविटी छूटती है? क्योंकि उसको प्रायोरिटी नहीं दी, उसको आपने समझा नहीं। बाकी सब चीजों की कितनी प्रायोरिटी, दवाई भी लेनी है, अमुक भी करना है, ये भी करना है, कुछ नहीं छोड़ते, यानी हमारा सातत्य कितना कमजोर है, निरंतरता हमारे अंदर नहीं है। और यही कारण है नए सार को एक नियम से जीवन की दिशा मिल गई, हमने इतने नियम ले रखे हैं पर दिशा या आकार अभी नहीं मिल पाया। तो उस नए सार के जीवन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं अपना नियम नहीं पालूंगा, और ये भी गली नहीं थी, हम तो गलियां निकालने वाले लोग हैं, ये भी गली नहीं थी कि दुख बीमारी के क्या रख दो महाराज, छूट रख दो। अब दुख बीमारी के अंदर तो वस्तुएं छोड़नी होती हैं, डॉक्टर छुड़वाता तब भी तो छोड़ते हैं ना, इससे तो अच्छा मन से छोड़ दीजिए, अपने ही स्वाधीनता से छोड़ दीजिए, तब के अंदर भी प्रवेश हो जाएगा। और कोई बल्कि डॉक्टर छुड़ाए तो बंधन है, खुद छोड़ो तो सुरक्षा है, खुद छोड़ो तो तप है। उस कगार
तक पहुंचो ही मत कि जहां आपको कोई और छुड़वाए, कोई और बंधन में बांधे, उससे पहले खुद ही सुरक्षा के दायरे में क्या करना है, प्रवेश कर लेना है। और वो नयसार जिसके जीवन का एक नियम सातत्य लिए हुए था, निरंतरता लिए हुए था, कोई बाहर गांव की गली नहीं, कोई दुख बीमारी की छूट नहीं। और एक बार ऐसा प्रसंग घटित हुआ कि गांव के राजा ने एकदम से बहुत बड़ा ऑर्डर दिया, किसे? नयसार को, कि मुझे इमारती लकड़ियों की जरूरत है, महल बहुत से बनने हैं, और तुम शीघ्र से शीघ्र इमारती लकड़ियों का जुगाड़ बिठा दो। और कहते वो मौसम था, ग्रीष्म ऋतु का महीना था, चिलचिलाती कड़कड़ाती धूप थी, लुहें आदि खूब चल रही थी। और कहते नयसार ने राजा का ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर है, और ये परार्थ की भावना रखने वाला वो नयसार अपने तक सीमित नहीं रहता था। उसने बहुत से कर्मचारियों को इकट्ठा किया कि इस निमित्त से तुम्हारी आजीविका भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत से कर्मचारियों के साथ नयसार जंगल में पहुंच गया, क्योंकि लकड़ियों के लिए कहां जाना होगा, जंगल में। जंगल में पहुंच गया, वो लकड़ियां काटने के लिए पहुंच गया सारे कर्मचारियों के साथ में। सबने अपना अपना भोजन साथ में ले लिया, क्योंकि सुबह जाना है और कब आना है, शाम को आना है। सब अपना पाथी लेकर के चले हैं। और कहते हैं अनेक कर्मचारी काम में लगे हुए हैं, बहुत शीघ्रता से काम हो रहा है। और एकदम से नयसार ने देखा कि शिखर दोपहरी का समय हो गया, खाने का समय हो गया, इतनी कड़कड़ाती धूप है, मैं इनकी अब छुट्टी कर देता हूँ। सबको उसने छुट्टी करा दी, तुम अपना खाना आदि खाओ, पेड़ के नीचे विश्राम करो, और बाद में जब धूप ढल जाएगी 3 बजे के बाद फिर से कहाँ लग जाना काम पे। सब लोगों ने, जो भी कर्मचारी थे, अपना अपना भोजन लाए हुए थे, अपने तरीके से भोजन कर लिया, सब विश्राम की तैयारी में लग गए। नयसार भी अपना भोजन लेके चले थे एक विशाल वृत वृक्ष के नीचे, उन्होंने भी अपना भोजन खोला। और जैसे खाने के लिए बैठे, एकदम से याद आया कि जब तक किसी अतिथि को ना दे दूं, तब तक तो मैं भोजन कर नहीं सकता। और अतिथि जो है वो भी कई तरह के अतिथि होते हैं। अतिथि का मतलब है जो अचानक आने वाला है, अतिथि का मतलब है जो जरूरतमंद है, अतिथि का मतलब है जो असहाय है। और कहते जैसे उसने देखा कि अरे मैं बीच जंगल में बैठा हूँ, हालांकि भूख तो बहुत लगी थी उन्हें भी, शिखर दोपहरी का समय हो रहा था, मेहनत में वो भी जुटे हुए थे, और अब जैसे अपना टिफिन उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और सोचने लग गए कि अब मुझे किसको ढूंढना है, अतिथि को ढूंढना है। अब जंगल के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, चिलचिलाती धूप के अंदर, जहां कोई परिंदा भी न फड़कता हो, वहां कोई इंसान मिल सकता है? भावों की तीव्रता हो, नियम की दृढ़ता हो, और आत्मा का विश्वास हो, तो कहते हैं पत्थर से भी क्या निकल आता है, पानी निकल आता है। आत्मविश्वास जो है भीतर की चाहत को जगा देता है। कभी उनके मन में ये नहीं आया कि चलो आज की छुट्टी रख लेते, कल 2 अतिथि को जिमा देंगे, आज क्या कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, ये भाव भीतर नहीं जागे। और भीतर की जैसी भावना थी, भारतीय संस्कृति कहती है यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी सिद्धि मिल सकती है। जहाँ चाह है वहाँ क्या है, राह है। आप कहेंगे चाह तो हमारी भी बहुत है, पर याद रखिए हमारी सारी चाह कुनकुनी है, तीव्र नहीं है, उसके अंदर इतनी इंटेंसिटी नहीं है। संसार के कार्यों में तो बड़ी तीव्रता है, परंतु धर्म वाले कार्यों में बड़ा कुनकुना मन है। यहाँ जहाँ हमारा भीतर में ऐसे भावों की तीव्रता नहीं है, इसी वजह से ये कार्य जीवन में होते हैं। तो कहने का अभिप्राय, उस नयसार ने पेड़ के ऊपर चढ़ के दूर दूर तक दृष्टि डाली, भीतर की चाह बड़ी तीव्र थी कि मुझे जरूर कोई अतिथि मिलेगा, कोई ना कोई तो दिखाई देगा। संकल्प कर लिया मन के अंदर, जब तक मुझे कोई नजर नहीं आता मैं पेड़ से नहीं उतरता। चारों दिशा में देख रहे हैं, और वाकई में चाह को राह मिली। दूर से उन्होंने देखा 2 आकृतियां चली आ रही हैं।
दो आकृतियां चली आ रही हैं और वो चिलचिलाती धूप के अंदर बिल्कुल ऐसी आकृतियां हैं जो उसने कहीं देखी नहीं है, जो गज गति से चलती हुई आ रही हैं, जिनके हाथ में कुछ झोली सी रखी हुई है, पैरों में जिनके कुछ नहीं है, सिर जिनके क्या है ढके हुए नहीं है। और वो आकृतियां देख करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न किसके लिए हुआ? इसलिए नहीं कि अब मुझे खाने को मिलेगा यही भावों के अंतर हैं, ये तीव्रता नहीं है। वो इसलिए प्रसन्न हुआ कि देखो मैंने खोज की तो मेरे को क्या मिला है, चाह को राह मिली है। पर वो देख करके थोड़ा घबरा गया कि इस ऐसे भयंकर अटवी के अंदर ये दो आकृतियां, और आप समझ गए दो आकृतियां किसकी है, साधु की है। वो साधु, दो साधु चलते हुए चले आ रहे थे। अब वो दो साधु क्यों चलते हुए आ रहे थे, क्यों वो मार्ग भटक चुके थे, ये नैसार उन्हें किस तरह से क्या देंगे, आहार देंगे, वो आहार दान का, सुपात्र दान के अतिथि का क्या प्रभाव होगा और कैसे नैसार के जीवन में दिशा मिलेगी, उन्हें सम्यक दर्शन मिलेगा और भगवान महावीर का ये पहला जन्म स्टार्ट होगा। प्रभु महावीर अहिंसा के अवतार हैं, जागरण के देवता हैं, आचरण के आचार्य हैं, साधना के सूत्रधार हैं। इतना ही नहीं, वो चिंतन के चांद हैं, सत्य के सूरज हैं, क्षमा के महासागर हैं, एवं ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक हैं जिनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक धरातल पर खरी उतर रही हैं। विदुषी साध्वी निधि श्री जी के सानिध्य में एवं विदुषी साध्वी कृपा श्री जी के स्वर में प्रस्तुत है श्री महावीर कथा के 12 प्रवचन। जानो उस शिल्पकार प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी आत्मा के अनगढ़ पत्थर में रही हुई परमात्मा की मूरत को प्रकट किया। जो दुनिया को जीते वो वीर है, किंतु जो खुद को जीते वो महावीर है। U-turn सीरीज के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के 27 जन्मों की संपूर्ण जीवन गाथा। भगवान महावीर ने क्या किया और क्या दिया, क्या था उनका विचार पक्ष और कैसा था उनका आचार पक्ष, उनकी आत्मा कैसे महात्मा बनी और महात्मा से परमात्मा, इसका समग्र चित्रण दर्शाने वाली श्री महावीर कथा। संसार में जन्म मरण करते हुए भगवान महावीर की आत्मा को कब और कैसे सच्ची राह मिली और उतार चढ़ाव के घेरे से गुजरती हुई उनकी आत्मा 27 जन्मों की यात्रा में कैसे तीर्थंकर बनती है, इसी का रोचक विवरण है श्री महावीर कथा। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, एक ऐसा मकान जहां बरसों से मकान बंद पड़ा है और उस बंद मकान के अंदर विस्तृत रूप से, सघन रूप से अंधकार भरा पड़ा है। ऐसा कोई भी कोना उस मकान का खाली नहीं कि जो अंधेरा जहाँ पे ना हो, यानी सघन मात्रा में, विस्तृत अवस्था में उस मकान में अंधकार रहा हुआ है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक बात निश्चित है, एक बात तय है कि यदि उस अंधेरे को भगाना है तो उतना प्रकाश नहीं चाहिए जितनी मात्रा में अंधकार वहाँ पे भरा पड़ा है। उतनी मात्रा का प्रकाश नहीं चाहिए। प्रकाश ने कभी ये नहीं कहा कि जितना अंधकार होगा उतनी मात्रा में मुझे ले जाओगे तो मैं वो अंधेरा क्या करूँगा, दूर भगाऊँगा। यानी चाहे अंधकार पुराना हो, चाहे अंधकार सघन हो, चाहे अंधकार का फैलावा विस्तृत हो, परंतु एक किरण काफी है और वो बरसों पुराना अंधकार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दीपक काफी है और वो विस्तृत मात्रा का अंधकार खत्म हो जाएगा। इसी आधार पे ज्ञानियों ने एक बहुत बड़ा सत्य प्रकट किया है कि बाहर के धरातल पे जैसे हमें ये बात समझ आती है, ऐसे अंदर के धरातल पे ज्ञानी समझाते हैं कि हमारी आत्मा में भी जन्म जन्म से अंधकार भरा पड़ा है।
कौन सा अंधकार है? अज्ञान का अंधकार है, कषायों का अंधकार है, विकारों का अंधकार है, मिथ्यात्व का अंधकार है, नाना प्रकार का अंधकार इस आत्मा के मकान में भरा पड़ा है। परंतु वही बात है कि अंधकार कितना ही पुराना हो, कर्म कितने ही सघन हो, कर्मों का दायरा कितना ही विस्तृत हो, परंतु ज्ञानी का कथन है कि एक सम्यक दर्शन की किरण काफी है और वो कुसंस्कार सारे क्या हो जाएंगे, खत्म। यानी इतनी विस्तृत मात्रा में जो कर्म है, उतनी विस्तृत मात्रा में ज्ञान के प्रकाश की जरूरत नहीं, एक किरण ज्ञान की काफी है और वो सारे के सारे कुसंस्कार ढेर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट होते हैं, कैसे सम्यक दर्शन का प्रकाश हमारे भीतर में आता है, ये जानने के लिए हम श्रवण कर रहे हैं इस अवसर पिनी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव का उपलक्ष है। और उस उपलक्ष के अवसर पे हम वो विधि जानना चाहेंगे, वो प्रक्रिया जानना चाहेंगे कि जहाँ से आत्मा क्या हो सकती है, परमात्मा बन सकती है। इस मानव को महामानव बनाने वाली प्रक्रिया इस भगवान महावीर के दर्शन के द्वारा उनके 27 जन्मों की, पूर्व जन्मों की कथा के आधार पे हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो हम करते हैं वही उस भगवान ने किया था, पर जैसा हम कर रहे हैं वैसा किया था या नहीं किया था, यही इस दर्पण की झलक में हमने अपने आप को परखना है, जानना है, देखना है। कल हमने सुना था कि भगवान महावीर की आत्मा उस महाविदेह क्षेत्र के छोटे से ग्राम में नयसार नाम के लकड़हारे के रूप में है और उसके जीवन के अंदर क्या रहा हुआ है, एक नियम रहा है। उसकी आजीविका जो है वह तो लकड़हारे के रूप में है, परार्थ उसके जीवन में कूट कूट के भरा हुआ है, ग्राम चिंतक वह कहलाता है। और जीवन का एक छोटा सा नियम है कि चाहे बाहर गांव की परिस्थिति हो, चाहे बीमारी की परिस्थिति हो, पर वो नियम की निरंतरता हमेशा बनी रखता है। और वो नियम की निरंतरता, वो छोटा सा नियम था कि भोजन से पूर्व क्या करना है, अतिथि को देकर के फिर खाना है। खाने की मनाही नहीं है, खाना तो है ही है, पर खुद खाने से पहले किसी अतिथि को देकर के खाना है। जैसे मान लीजिए दो यात्री पैदल चल रहे हैं, पैदल यात्री को प्यास बड़ी जल्दी लगती है, प्यास उन्हें लगाई, पैदल में चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, प्यास की वजह से पानी की खोज में हैं, दूर दूर तक नज़र डालते हैं, कहीं पानी नज़र नहीं आया और किसी ने उन्हें बताया कि अमुक दिशा में जाओगे तो एक तालाब आएगा, एक सरोवर आएगा और तुम्हारी प्यास क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। दोनों के भीतर में प्यास है, साधन का पता उन्हें लग गया है, पुरुषार्थ करके दोनों वहाँ तक पहुंच गए, कहां तक, तालाब तक। तालाब के किनारे दोनों ही पहुंच गए, साधन सामने है, पुरुषार्थ करने की उनके भीतर में तीव्र जिज्ञासा भी है। और एक ने कहते जैसे पानी देखा कि उसने छलांग लगा दी, और छलांग लगा दी प्यास मिट गई, नहीं मिटेगी। छलांग लगाने वाले के शरीर की तो क्या हो जाएगा, ताप मिट जाएगा, परंतु प्यास तो तब तक नहीं मिट सकती जब तक जल कहाँ न जाए, इस मुख के भीतर न जाए। दूसरे व्यक्ति ने देखा पानी मेरे सामने है और वो बिल्कुल विधि पूर्वक गुजरा, उसने सीधी छलांग नहीं लगाई, उसने देखा इस सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ी से वो नीचे उतरा, वो बैठा अपने पैरों के बल दोनों हाथों की अंजलि बनाई, पानी उसने ग्रहण किया और मुख में डाला और उसकी प्यास क्या हो गई, शांत। साधन एक जैसे थे दोनों के पास में, पुरुषार्थ भी दोनों ने किया है, प्यास भी दोनों के भीतर में थी, परंतु अंतर मात्र किसमें पड़ा, विधि में। विधि में अंतर पड़ते ही परिणाम में अंतर पड़ गया, एक की प्यास शांत हुई और दूसरे की नहीं हुई। और इसलिए कहा है ज्ञानियों ने कि कार्य तो करे
सब कार्य तो करें, पर सब कार्य के पीछे क्या जरूरी है, विधि जरूरी है। नए सार के जीवन में ये घटना प्रकाश देने वाली बनी, ज्ञान की किरण यदि प्रस्फुटित करने वाली बनी, तो उसके पीछे ये कारण था कि उस नए सार ने विधि सहित दान दिया था। दान तो हम भी देते हैं, परंतु विधियां गायब हो चुकी हैं। दान देने की विधि 3 स्टेप के अंदर बताई गई है। दान देने का भी अपना क्रम है। बिना क्रम से कोई कार्य करेंगे तो शायद परिणाम मिले और न भी मिले, पर क्रम से करने में अवश्य मिलते हैं। और वो दान देने की विधि 3 स्टेप के अंदर बताई गई। दान देने से पहले, दान देते हुए और दान देने के बाद, ये 3 स्तरों के अंदर विधि को हमने पिरो लेना है कि दान देने से पहले हमारी भावधारा क्या हो, दान देते हुए क्या भावधारा हो, और दान देने के पश्चात भीतर में कौन सी भावनाएं हो। और यदि हम नयसार को देखेंगे तो हम पाएंगे कि उस नयसार के भीतर में दान देने से पूर्व कितना अहो भाव था, कितना धन्यवाद का भाव था कि आज मेरा सद्भाग्य है। भाग्य तो रोज खिलता है, अतिथि तो रोज मिलते हैं, पर आज सद्भाग्य है कि मुझे महान अतिथि मिले हैं। वह तो इतना ही जानता था, सुपात्र अतिथि मुझे मिले हैं, महान अतिथि मुझे मिले हैं। यानी देने से पहले कितना अहो भाव है, मन पूरा प्रभावित हो चुका है। देने से पहले उस क्रिया के साथ यदि मन का प्रभाव नहीं जुड़ा, मन की भावधारा नहीं जुड़ी, तो वह हमारी विधि क्या रह जाती है, अधूरी रह जाती है। अपने भाग्य को उसने सराहा, अपने सद्भाग्य की उसने अनुमोदना कर ली, अपने जीवन में अहो भाव भर लिया कि आज का मेरा दिन धन्य हो गया जो मुझे सुपात्र मिले हैं। और देते हुए उसके रोम रोम के अंदर प्रसन्न के भाव है, एक एक कण के अंदर हर्ष और आमोद के भाव है कि आज का दिन मेरा कैसा धन्य दिन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुनि राज को आहार दान दे रहा हूँ। बिल्कुल भूल गया कि भूख तो मुझे भी लगी है, अपने लिए भी मैं कुछ बचा लूँ, कोई हिसाब किताब नहीं। देते हुए कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं कि मैं ये दूंगा तो मेरा व्रत पूर्ण होगा तो मुझे कोई पुण्य का लाभ मिलेगा। कोई गणित नहीं भीतर में चलता, कोई हिसाब किताब भीतर में नहीं चलता, कोई सौदेबाजी भीतर में नहीं चलती, ना कुछ बचाने की भावना भीतर में चलती है। बस रोम रोम का हर्षित व भाव, प्रसन्नता का भाव, आहार का दान देते हुए हैं। और देने के पश्चात समय बड़ा लंबा है, देने से पहले का समय छोटा है, देने का समय भी छोटा है, परंतु देने के पश्चात का काल बड़ा लंबा है। और इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि देने के बाद में कई बार भाव पलट जाते हैं, पश्चाताप भी हो सकता है और निंदा के भाव भी जाग जाते हैं। देते हुए तो प्रसन्नता थी, बाद में सोचा देखो ना सारा ही दे दिया, लेने वाले ने भी ले लिया, आदि आदि कोई भी भाव भीतर में जाग सकते हैं, जो आलोचना या निंदात्मक भाव भी हो सकते हैं या पश्चाताप के भाव भी हो सकते हैं। और इसलिए देने के बाद में प्रफुल्लता बनी रहे, अनुमोदना के स्वर जागृत रहे कि ऐसा सत्कार्य करने का मुझे मौका बार बार मिले। जिन्होंने आज तक इतने सत्कार्य किए, जिन्होंने आज तक सुपात्र दान दिए, वे लोग धन्य हैं, वे लोग कृतार्थ हैं, वे लोग सद्भाग्यशाली हैं। आज मेरा सद्भाग्य मिला, आज मेरे को ये मौका मिला, ये मौका मुझे बार बार मिले। यदि ऐसे अनुमोदना के भाव जाग जाए तो फिर पश्चाताप के लिए कोई जगह नहीं, फिर निंदा के लिए कोई जगह नहीं। ये दान की पूर्ण विधि है। देने से पहले अहोभाव, देते हुए प्रसन्नता और देने के पश्चात में अनुमोदना, ऐसी भावधारा के साथ उस नए सार ने इतनी अच्छी तरह से वो सुपात्र दान दिया है, उसे इतनी संतुष्टि हुई है, क्योंकि सुपात्र दान में 2 तरफा लाभ है।
देने वाले को भी और लेने वाले को भी। लेने वाले को तो लाभ है ही, देने वाले को भी लाभ मिलता है। सुपात्र दान कभी खाली नहीं जाता, वो जीवन का उत्थान लेकर के आता है। और इसलिए उत्कृष्ट पात्र की बड़ी महिमा बताई गई है। नयसार ने भी अपना भोजन लिया, मुनिराज ने अपनी गोचरी कर ली, थोड़ी देर विश्राम कर लिया। और विश्राम के पश्चात वो मुनिराज अब जाने के लिए विहार के लिए तैयार है। और नयसार ने जान लिया था कि इनको मार्ग का क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, मार्ग का ज्ञान नहीं है। कहाँ इन्हें जाना है वो इन्हें पता है, पर रास्ते इन्हें पता नहीं है। मेरा ये कर्तव्य है कि कई रास्ते एक गांव को जाते हैं, मैं इन्हें प्रॉपर रास्ता बता दूं, सही दिशा तक इनको पहुंचा दूं। और इसलिए नयसार भी मुनिराज को क्या करने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए, उस ग्राम का पथ बताने के लिए चल पड़े हैं। वो नयसार नहीं जानता सही रास्ता मैं बता रहा हूँ या सही रास्ता मुझे मिलना है। वो नयसार नहीं जानता कि मेरे भीतर में अब सम्यक दर्शन का प्रकाश होना है। वो मात्र इतना जानता है कि मुझे मात्र इन्हें क्या करना है, सही दिशा पे सही रास्ते पे चला के वापस लौट आना है। जैसे ही वो मोड़ आया, वो कगार आई, वो रास्ते आए, उसने बता दिया कि हे आर्य, आप इस दिशा से चले जाइए, इस मोड़ से मुड़ जाइए और आप अपने उस गाँव में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। और कहते जैसे ही वो कार्य उसका पूर्ण हुआ, उसने मुनिराज के चरणों में वंदन किया। और वंदन क्या किया कि मुनिराज के भीतर में बड़ा अहोभाव जाग गया, उस आत्मा के प्रति अहोभाव जाग गया। उसकी निर्मलता उन्होंने देख ली, उसकी सरलता उन्होंने देख ली, उसकी विनम्रता से वे बड़े प्रसन्न हो गए। और उनके भीतर में भाव जागे कि जो ये जानता था वो इसने हमें बता दिया, अब जो हम जानते हैं हम इसको बताएं तो इसका खाना या इसका ये देना भोजन हमारा तभी सार्थक होगा। साधु मुनिराज कोई भी अपनी विधि जो करते हैं हर तरफ सार्थकता के कदम होते हैं कि जहाँ से हम ले रहे हैं उनको पहले पूरा लाभ यदि हमने धर्म का नहीं दिया तो वो लेना कर्जा है, वो लेना ऋण है, वो लेना अपने कर्मों का बोझा बढ़ा लेना है। और मुनिराज ने सोच लिया कि मुझे इन्हें वो देना है, इस नयसार के अंदर पात्रता भी है, क्योंकि मुनिराज अवसरज्ञ होते हैं, वो जानते हैं कौन से समय कौन सी बात कहनी चाहिए। समय पे आई हुई बरसात का जैसे मूल्य है, ऐसे समय पे कही गई बात का भी क्या है। जब लोहा गर्म हो तभी चोट की जाए, जब पात्र सामने तैयार हो तभी बीज बो दिया।